बीजेपी की मेहरबानी, अभिमन्यु कैप्टन की मेहरबानी। कैप्टन के नाम का फर्क है, रोग है, हुआ है। बीजेपी का कोई जियो वोट उसी का है, फूल को वोट है, फूल को वोट है, फूल को वोट। 10 साल हो गए हल्का पिछड़ा बना दिया, कैप्टन ने चमकाया था, अरे कैप्टन को वोट देंगे, कैप्टन ने वोट दोगे तो किस किस को घर घर देगा, दम पे नौकरी मिलेगी, फिजिकल पढ़ो नौकरी लो, गपलेबाजी नहीं है सरकार में। कैप्टन आज भी राजा, कल भी राजा, आगे भी राजा ही रहो। क्यों भाई, मेरिटी की हड्डी है, आर्या भी काम करवा सकता अगर जो करवाना पाया, आर्या उसको हरा देंगे नहीं, सीम से भी ज्यादा काम करवा सकता, इतनी पावर उसको सरकार में। हाँ, इनके राज में तो ऐसे ऐसे देवीटी लगाया आपने, नाम को लिखने गांव का डब लाइन देवीटी लग रही जो कांग्रेस साल कांग्रेस राज करगी, क्या करके दिखाया उन्होंने? आपने तो हड़का मारने को दी जी 10 साल भी, तो काम क्यों कर करके दिखावे? तो काम नहीं करया तो करेगी कब, करेगी कब? 10 साल काम नहीं करया, आपके तो हड़का मारी को नहीं कांग्रेस, काम क्यों कर? ऊपर तो थी, ऊपर तो थी, फिर तो मारा थोड़ा बहुत काम करया, थोड़ा कैप्टन ने करया था। अच्छा। थोड़े बीच में रोड सी आ गई थी, थोड़ा झटका मारा था। हाँ। ये कैप्टनों को दिखाऊंगे इतनी पावर कोई शेप नहीं। भाई सिर्फ एक न्यूज के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। फिलहाल गांव राजथड़ में मौजूद हूँ, और यो देख लो भाई, यो जो वो हर गांव का जो ताश गैंग हो अगर वो ताश गैंग पकड़ लिया है। दरअसल जो है गांव में हर गांव के चौपाल में, हरियाणा में आपने अक्सर देखा होगा कि गांव के जो भी बुजुर्ग हैं वो अक्सर जो है अपने गाँव के अड्डे पे या कितने भी सब बरगद पीपल का पेड़ के तले जो ताश खेल दे पाचेंगे, और इनसे ज्यादा गांव की राजनीतिक हवा कोई मेरे ख्याल से गांव में नहीं बता सके। सारी चर्चा जो है वो इसे गुट में, इसे ग्रुप में चले आ गए, और भाई इसकी शुरुआत जो है आज राजथड़ गांव से करांगे। तो नाणों दलके का गांव है, बता दूं साहब, नाणों दलके मैं यूं बता दूं क्योंकि पहला हल्का ऐसा है जो मोटा माटी सबकी टिकट पक्की नजर आवे हैं, है ना? तो इबका बता दो किसने जितवाओगे नाणों दल में? इबका जी जो हमारा थोड़ा बहुत काम कर, थोड़ा कैप्टन ने कराया था। अच्छा। थोड़े बीच में रोड सी आ गई थी, थोड़ा झटका मारा था। हाँ। ये कैप्टनों को जिताओगे इतनी पावर कोई शेप नहीं जी। कैप्टन में मरोड़ आ गई थी। हाँ। और आपने हरा दिया। हाँ। था। कैप्टन के मरोड़ निकड़ गई, आपने दया आ गई। हाँ, ये कैप्टन को जिताएंगे, इस इतना सीम पावरदार नहीं आएगा कोई। अच्छा, इतना पावर, पावर वाला कोई नहीं। हाँ, जितना जो काम कर सकता है, जितना सरकार में इसका हाथ है, कोई से कैंडिडेट का नहीं है। अच्छा। हाँ जी, तो काम जो करवाए थे उसके दम पे वोट। हाँ जी। हाँ जी, अब की बार आप किसने जितवाओगे? आप जी बीजेपी ने देवे, जो कोई जीतो कोई हर, आप बीजेपी ने, बीजेपी ने दोगे? कारण की किसान हमने तो कारण ऊपर मोदी दिख रहा है, अच्छा मोदी का देश के लिए एक नंबर के काम कर रहा है। अच्छा, हम तो बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट दोगे। अच्छा ये बता दो, जो बीजेपी के मोस्टली जो है लाइकली, आप यू मानो कि 95% तक जो है इस हल्के की टिकट तीनों पार्टियां की पक्की नजर आने लग रही है। कैप्टन अभिमन्यु मैदान में आए, तो कैप्टन में अभिमन्यु की छवि की सीख हमारे लिए तो बढ़िया है। काम कुम करवाए थे, खूब शेर के काम, खूब करवाए, नौकरी तो लगवाए नहीं, शेर के काम छोड़ देनी जी। दादा कुत्ते रोया कर देने जी, मैडम जी थोड़ा कोयल बोल रहे हैं। अच्छा, खेड़ी चौपटे पर काक रोया कर दे, आज कोयल बोल रहे हैं। सिर्फ बीजेपी की मेहरबानी, अभिमन्यु कैप्टन की मेहरबानी। अच्छा, अरे वो कोयल बुलाए काम आवेंगे मेरे ख्याल, कैप्टन आने चाहिए। तो से वो डॉक्टर अजय चौधरी भी मैदान में है। ना 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 जी, गुटबाजी कांग्रेस में, डॉक्टर अजय चौधरी कांग्रेस में, यहाँ से नहीं जीतेगा नाणू से। अच्छा, अरे और भी कई टिकट मांगे हैं, वो जस्सी पेटवाड़ी, वो उनके मैं भी चुनाव के बेरा लड़ लूं, नुने तो और भी है, वो शोराण है, नुने तो वो दिलबाग डांडा है। डॉक्टर जी हड़के को हम देवांगे नहीं, जीते आ जाएंगे, कुछ करे नहीं, उसका क्या फायदा वोट दिएगा? हम कौन देखेंगे, उसको देंगे वोट जिसकी पावर है कुछ कर सके। अच्छा, उसको वोट देंगे हम। अच्छा, जैसे गौतम जीता है उसने कुछ नहीं कराया, उसको कोई वोट नहीं है। जैसे बीच में एक होरा लिया, उसको कोई नहीं है। 10 साल हो गए हल्का पिछड़ा बना दिया, कैप्टन ने चमकाया था, अरे कैप्टन को वोट देंगे, कैप्टन ने वोट दोगे तो किस किस को घर घर देगा? दम पे नौकरी मिलेगी, फिजिकल पढ़ो नौकरी लो, गपलेबाजी नहीं है सरकार में। इस बात की कोई नाराजगी नहीं भाई, घर घर के बाढ़ की नौकरी नहीं, नहीं नहीं ना, कोई नाराजगी नहीं, फिजिकल पढ़ो और नौकरी लाओ। आप पढ़ रहे हो तो लगोगे, जो पढ़ेगा वही लगेगा, और पकड़ पकड़ लुवाओ किसी ने। इनके राज में तो ऐसे ऐसे देवीटी लगाया आपने, नाम को लिखने गांव का डब लाइन देवीटी लग रही जो कांग्रेस के उठे गए। इतने बड़े बड़े ऑफिसर लगे हैं, बड़े बड़े अफसर लगे हैं, हमारी जात के, छोटी जात के, कोई पैसा नहीं लगा जी। अच्छा, मैंने यू बताओ फिर आपके गांव में इनेलो का क्या माहौल है? इनेलो और बसपा का भी कमन गठबंधन हूँ, देखो नहीं जी क्या चीज है जी, तो मेरा क्या नंबर है, क्या उसका चिन्ह है, उसको पता नहीं। अच्छा, हम तो बीजेपी से जुड़ रहे हैं, बीजेपी से जुड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी,
अब की बार किसके साइड लगोगे आप बताओ, आ जाओ आगे। बीजेपी को कारण क्यों? कारण ये हम तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस को वोट नहीं दोगे? कांग्रेस से क्या नाराजगी? मैं तो सुना था भाई नानो दलके में रुका पाट रहा है इस बात का भाई अब की बार कांग्रेस में वोट मिलेगी, मैंने तो ऐसा सुना। वो तो देखो जैसे जैसे गांव में जाओगे सर्वे होता रहेगा, फिर भी हम तो सिर्फ बीजेपी को वोट देंगे। सिर्फ बीजेपी को। कैंडिडेट की प्रायोरिटी कौन होनी चाहिए वैसे आपकी? वैसे कैप्टन के आएगा तो देखते हैं। कैप्टन आएगा तो कैप्टन के नाम का फर्क है, रोब है पूरा है। नहीं जी, बीजेपी का कोई अजी हो वोट उसी का है, फूल को वोट है। फूल को वोट है? फूल को वोट है जी। अच्छा, प्रायोरिटी? हाँ जी, प्रायोरिटी किसकी? ठीक है, सरकार इज्जत है हमारी, जो रहना चाहते हैं गुलाम नहीं है। सरकार ने आजादी के तोड़ पर लेके रख रखे हैं, देश को आगे लाया, गिनती में आ गया देश। ऐसा आदमी नहीं, भगवान है जी मोदी जी। हाँ जी, अब की बार किसको आगे लेके जाओगे जी? वोट तो जी फूल को ही देंगे। फूल को दोगे? कारण क्या है? कारण ये है कि इस सरकार में घपलेबाजी नहीं है, पढ़े लिखा बच्चा अपने आप वाले अपने उस पर लग रहे हैं। इसमें माले कोई लेन देन किसी पर्ची या खर्ची का कोई मैटर नहीं। अच्छा, सिर्फ ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी है, चलो। हाँ जी, अब की बार किसको वोट किसकी तरफ जाएंगे आपके? बीजेपी। बीजेपी अब क्या? अच्छा, यो कैंडिडेट के वाइज पूछूं, आज मैं कैंडिडेट पूछना आई हूं। कैंडिडेट की जरूरत नहीं ना, ऊपर माले अगर ऊपर माले पावर है तो नीचे जरूरत है। हाँ जी, मोदी बैठे हैं, मोदी देंगे हम। मोदी थी तो दे लिए, मोदी थी तो दो महीना पहले दिए थे आपने। हाँ, तो अब भी देवांगे। अब तो मोदी बन लिया, अब दोबारा ही बता दो सीएम किसने बनाओगे? सीएम तो मोदी बनाएगा, अब मोदी बनाएगा अपना। हल्के में दो चार आपके नेता हैं, ये कैप्टन अभिमन्यु है, डॉक्टर अजय चौधरी हैं, दिलबाग ढांडा है, जयप्रकाश, और किसे नहीं जानते? ये उमेद लुवान है, इन्हें किसे नहीं जानते? हम तो सिर्फ मोदी जानते हैं, सिर्फ मोदी के। पक्के मोदी भगत हो फिर तो? मतलब कांग्रेस बिल्कुल ही नहीं, कांग्रेस का तो नाम ही गया है। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस से इतने नाराजगी क्यों हो रही है? नाराजगी नाराजगी के काम करेंगे तो माले, जो काम करेंगे उनको तो बोले जाऊंगा बस। अच्छा, जो काम करेगा उसको देंगे। तो कांग्रेस ने काम नहीं करा? काम करा तो फिर आरआर क्यों? आरआर क्यों? 10 साल कांग्रेस राज करगी, क्या करके दिखाया उन्होंने? आपने तो हड़का मारने को दी जी 10 साल भी, तो काम क्यों करके दिखावे? तो काम नहीं करा तो करेगी कब? करेगी कब? 10 साल काम नहीं करा आपके, तो हड़का मारी को नहीं कांग्रेस, काम क्यों कर? ऊपर तो थी, ऊपर तो थी फिर। हाँ जी, ये काम करा कांग्रेस ने मानते हैं, लेकिन जो काम ये करेगा पढ़ाई में ठप, और कोई काम नहीं, से बड़ा कोई काम नहीं करा। अच्छा, तो फिर हल्के में काम करा किसने आपके? हल्का में तो करा वैसे भाजपा में, जो भी काम बनया भाजपा में। भाजपा तो पिछले 5 साल से भाजपा जिस भाग का गठबंधन था, तो पिछले 5 साल में काम खूब होया होगा फिर तो? काम ना जितने चाहा था वो कौन होया? तो आप कहो भाजपा के टाइम पे काम खूब हुआ है, भाजपा ही थी? भाजपा पिछली बार थी उस टाइम तो बने हमारे, पिछली बार कैप्टन थे, इनका लगा लो गठबंधन में थी। अगर सरकार की बात करो तो सरकार तो थी लेकिन कैप्टन नहीं थी। हाँ, मतलब हमारा कैंडिडेट के हिसाब था कि भाजपा वोट दी था हमने प्लाट के बारे में, हमारे गांव में सम्मिलित बहुत ज्यादा है, अब प्लाट नहीं कटवाया किसी ने, बोलना बोल रहे जरूर है, वादा पक्का भाई प्लाट का कटवाया किसी ने नहीं, सम्मिलित बोल रहा है। अच्छा, आपकी बार वोट देख रहे हैं, वोट उसको देंगे जो प्लाट के सहमति होगी। अच्छा, हाँ जी, ताऊ जी, अब की बार किसके सारे लगोगे? कैप्टन ने जी। कैप्टन के? क्यों लगोगे कैप्टन के? क्या करवा रखे कैप्टन? कम काम करवा हुआ है। के में काम काम माम घाटी निकाल रखी, काम माम घाटी निकाल रखी, फिर वो लोग ने कह दे भाई मरोड थी मेरा नी बे पाछे बैठे बैठे मरोड लकड़ी की। अच्छा, अभी भाई जगह ठिकाना पे वो पे। अच्छा अच्छा, इब कार्ड वोट दे दोगे मतलब? अच्छा, हाँ जी, ये फिर इनका मतलब यह जो मरोड़ तरोड़ आई वो किसा बदल दिया? वो तो बदल दिया जी। आपने लग गया भी करता? कौन लग गया करता? ना हमने तो लग गया नहीं, इन्हें आड़ लग गया था जट्टा ने, हमने वो लग गया जट्टा ने लग गया था। हमने तो कैप्टन आज भी राजा और कल भी राजा और आगे भी राजा ही। तो क्यों भाई? क्यों भाई? ये पावर इतनी नंबरदार रखला, पावर इतनी सरकार में जी, और यार मेरिट की हड्डी है, आर्या भी काम करवा सकता अगर जो करवाण पाया है, आर्या उसको हरा देंगे नहीं, सीम से भी ज्यादा काम करवा सकता है, इतनी पावर उसको सरकार में। हाँ, इसलिए हम उसको मानते हैं, इसलिए मानते हैं। हाँ, मोदी ने कह दो, मोदी ने भाई बड़ी मंदाने ना दो, क्या थे काम करो के बिगड़ गया तेरा, बता कमा के खाओ, चाहे 2 रुपये किलो ले लो कोई दिक्कत नहीं, आप यू फ्री वाला है। तो देखे तोहफा, 1 साल 5 साल का पैसे लेऊंगा, वो 1-5 साल का तोहफा दिया है मेरी तरफ से भाई, अनाज फ्री, फिर अगला लागू हो जाएगा जो उसके खुद अपने मन से कराया तोहफा।
नोट करो आप जो दो काम करे हैं उसने जिंदगी में, एक तो 370 और एक नोटबंदी। आप लगा लो अपना पता है, लेकिन नोटबंदी नहीं करी थी इंदिरा के टाइम में, एक बार भी लार जो गलत से, ये दो काम उसको मालूम सही। तो भाई ये जो आपने बता दूं कि दरअसल राजथल गांव में मौजूद हूँ, जो पीछे नेम बोर्ड जो है आप देख लो, राजथल गांव का नारनो लड़के का आखिरी गांव है राजथल। और उरे का सर्वे करने खातर जब हम पहुंचे थे लोकसभा में भी, ये सर्वे करने खातर जो हम आए थे कि भाई टिकट किसने मिलनी चाहिए, खैर जो है वो कुछ नया ही कमाल हिसार लोकसभा में हुआ, लेकिन अब की बार जो है नारनो लड़के में जो लगभग टिकट हर पार्टी की फाइनल, और मेरे ख्याल से गिलोतार पहला हल्का ऐसा है जहां साफ दिखने लग रहा है कि भाई कौन सी पार्टी की टिकट कौन लेके आऊगा, और इसकी बार पब्लिक का रुझान किसकी ओर ज्यादा है, किस का रुबाब जो है पब्लिक में ज्यादा है। और भाई यार लगातार अपडेट जो हमने दिखाते रहवांगे, नारनो लड़के की जो सियासी हलचल है वो हमने बताते रहवांगे, जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज से। राम राम।